छात्रा की मौत पर न्याय के लिए कलेक्ट्रेट में गर्जा गुलाबी गैंग। लोकतांत्रिक डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर रवि साहू, आप देख रहे हैं मोर ध्वज एक्सप्रेस RBS7 लाइव न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। रिपोर्ट संवाददाता सुशील कुमार। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर खागा फतेहपुर से। 1/10/2024 दिन मंगलवार को हृदय विदारक घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की। जिले में संचालित विद्यालयों की मनमानी पर विराम के साथ मान्य मानक और छात्रों की सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन कराए जाने की मांग। मंगलवार को गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में संगठन की पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय के लिए आवाज़ बुलंद की गई, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर न्याय दिलाए जाने हेतु पुरजोर मांग की गई। ज्ञापन में लिखे 3 बिंदु इस प्रकार से रहे कि विगत 25 सितंबर को जिले के खागा स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की एक होनहार छात्रा प्रिया मौर्या ने छेड़खानी और अभद्रता से अजीजित होकर कॉलेज की 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना की निष्पक्ष जांच कराते हुए आरोपी बस चालक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए बेटी प्रिया को न्याय दिलाए जाए। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा, आखिर बेटियां कब सुरक्षित होंगी? सरकार के दावे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे क्या नारे बनकर ही दम तोड़ेंगे? ये बेटियां विद्यालय तक में भी सुरक्षित नहीं हैं, अतः अति शीघ्र दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाई जाए, बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, अपराधी जेल में हो। दूसरी मांग, जनपद में संचालित स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे व मानक एवं मान्यता की सघन जांच के साथ छात्रों की सुरक्षा संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। वहीं तीसरी मांग, महिला उत्पीड़न प्रकरणों पर स्थानों में पुलिस तत्काल सुनवाई करे, हिला हिलवली बंद। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ सरला सिंह, प्रीति देवी, रजनी राज, रजनी दिवाकर, सुमन वर्मा, सत्यवती संयोजिता वर्मा, सरोज ज्ञानवती, नीलू सतून आदि मौजूद रहीं। रिपोर्ट संवाददाता सुशील कुमार, खागा फतेहपुर। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष। आज फतेहपुर कलेक्ट्रेट में डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है। अभी हाल ही में एक घटना हुई खागा में, सरस्वती बाल मंदिर की बेटी पढ़ने जा रही थी, उसको रास्ते में बस ड्राइवर रोज छेड़छाड़ करता था। उस लड़की ने बताया प्रधानाचार्य जी से, लेकिन उन्होंने उस लड़की की बात नहीं सुनी, क्योंकि बस ड्राइवर उनका रिश्तेदार था और लड़की को ही भला बुरा कहा। इसलिए लड़की को आत्मग्लान हुई, वो बेचारी दुखित होकर के अपने स्कूल की 3री मंजिल से कूद करके जान दे दिया। आज उस बेटी के न्याय में हम लोग छोटी सी टीम लेकर के मैं यहाँ कलेक्ट्रेट आई हुई हूँ। बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं आरोपी हैं उनको निष्पक्ष जांच होते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल जाना चाहिए। अगर वो जल्दी गिरफ्तार नहीं किए जाते तो हमारा गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक बृहद आंदोलन करेगा और यहीं कलेक्ट्रेट में धरने में बैठ जाएंगे 500 महिलाओं को लेकर के। और ये जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, इनकी किसी की मान्यता प्राप्त है और किसी की मान्यता भी नहीं प्राप्त है। कोई कोई स्कूल तो जूनियर की मान्यता प्राप्त है और इंटर तक चला रहे हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए
और जांच कराते हुए, क्योंकि लूट मची हुई है स्कूलों में, और इनकी जांच कराते हुए इनको भी कड़ी से कड़ी जांच करा करके संचालित कराना चाहिए। ये हमारी आज की मांग रही है। और जो महिलाएं जाती हैं थाने में, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो महिलाओं की सुनवाई तत्काल करी जाए और कार्रवाई करी जाए। और पुलिस की जो हीला हवाली है, पुलिस की हीला हवाली रोकी जाए, नहीं हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष।